हेलो स्टूडेंट्स, जो अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट यूनिट का एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें कि फिजिकल फैक्टर वाटर का अपन ने बताया था, वाटर मूवमेंट का कैसे देखते हैं उसको। मैंने दो ट्यूब वाला मेथड बताया था, एल शेप ट्यूब वाला, ठीक है ना। आज हम करेंगे फ्लो मीटर मेथड। मॉडर्न फ्लो मीटर्स आर वेरी कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। जो नए तरह के ये जो फ्लो मीटर्स हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से और एकदम एक्यूट मेजरमेंट करते हैं इसका, वाटर फ्लो का। दिस कैन बी लोअर्ड एट एनी डेप्थ ऑफ वाटर टू मेज़र द फ्लो एट दैट लेवल। ये अपन पानी में अपन इसको किसी भी गहराई पे फिक्स कर सकते हैं। फ्लो मीटर्स आर ऑल्सो अटैच विथ प्लैंकटन नेट टू नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर पास थ्रू द नेट। इसको अपन प्लैंकटन नेट से भी जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि इसके अंदर से टोटल कितना पानी पास हुआ है। तो इसमें जो अपन इसमें पैरामीटर लेंगे वो है कलर का। बाई कलर इन वाटर मीन्स दोज ह्यूज इनहेरेंट विद इन द वाटर इट्स सेल्फ विच रिजल्ट फ्रॉम कोलाइडल सब्सटेंसेज एंड मटीरियल इन सॉल्यूशन। मतलब आपके वाटर के अंदर जो भी इनहेरेंट उसका कलर है, या उसके अंदर जो भी कोलाइडल सस्पेंशंस हैं, उसके कारण जो उसका कलर आता है, उससे अपन इसको एस्टिमेट करते हैं। इन नेचुरल वाटर्स कलर में अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिक एसिड, मेटेलिक आयंस, सस्पेंडेड मैटर, फाइटोप्लैंकटन, वीड्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। देखिए, जो नेचुरल वाटर होता है, जहाँ की अपन कभी पॉन्ड्स या लेक्स वगैरह में देखते हैं, तो उसमें पानी का कलर किस पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर क्या है, ह्यूमिक एसिड है या मेटेलिक आयंस है, या सस्पेंडेड मैटर कितना है, या कितना फाइटोप्लैंकटन या वीड्स हैं, या उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है डिसाइड करती है कि पानी का रंग कैसा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि पॉन्ड ज़्यादा वैसा पॉन्ड है तो ग्रीनिश वाटर दिखेगा, या किसी किसी पॉन्ड में एकदम मटमैला गंदला सा पानी दिखेगा, जिसमें कि सस्पेंडेड मटेरियल बहुत ज़्यादा है। और अपन जैसे आसपास फैक्ट्रीज के आसपास जो पानी जमा होता है, उसमें अक्सर क्योंकि उसमें काफ़ी मेटेलिक आयंस और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, तो जिसके कारण उस पानी का कलर अक्सर ब्लैकिश टाइप का रहता है। और जो आप बहुत अगर आपने हाइट्स पे जो अपने झीलें होती है उसका पानी अगर आपने देखा हो, तो वो एकदम ब्लू ट्रांसपेरेंट कलर का, काफ़ी गहरे तक झील में आप झांक के देख सकते हैं, जिससे कि एकदम ट्रांसपेरेंट या क्लियर वाटर होता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि इसके कलर से अपन कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं वाटर के फ्लो को। इसमें अलग अलग मेथड हैं। नंबर वन इज प्लेटिनम कोबाल्ट मेथड। ठीक है, तो दिस मेथड गिव्स क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ द ह्यू। मतलब इसके अपन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ये, क्या कलर क्या है इसके अंदर। इसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज द सैंपल एट हाई स्पीड टू रिमूव सस्पेंडेड मैटर। जहाँ का भी अपन वाटर सैंपल लेंगे, उसको अपन पहले हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन आप लोगों ने देखा होगा, अपने लैब में भी है, जो आपने सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल किया था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वाला, सॉरी, वो जो ब्लड का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें आपने सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया होगा, ठीक है ना, पैक सेल वॉल्यूम निकालने के लिए, वो वाला सेंट्रीफ्यूज। इसको पहले क्या करते हैं, वाटर सैंपल को हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिल स्टैंडर्ड नेस्लर ट्यूब विद सैंपल टू सम लेवल एज दैट ऑफ स्टैंडर्ड 50 ml। इसके अंदर ट्यूब होती है, इसको अपन नेस्लर ट्यूब कहते हैं, इसमें अपन सैंपल डालते हैं। लगभग 50 ml सैंपल अपन उसके अंदर भर लेते हैं। देन कंपेयर द कलर ऑफ सैंपल विद दैट ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड ट्यूब्स हेल्ड वर्टिकली अबव अ वाइट सरफेस एंड फाइंड वन स्टैंडर्ड विच हैज़ सेम ह्यू एज दैट ऑफ सैंपल एंड रीड इट्स कलर वैल्यू।
फिर अपन ने जो अपना सैंपल का ट्यूब भरा है, इसमें क्या है, बहुत सारे वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं जिसमें कलर होता है अलग अलग, पीछे का बैकग्राउंड एकदम वाइट होगा, और कई सारे इसके अंदर वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं जिसमें कि सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। तो इसको क्या करते हैं, कंपेयर द कलर ऑफ सैंपल विद दैट ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड ट्यूब्स, जो हमारा सैंपल है उसके कलर को इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, और अपन एंड फाइंड वन स्टैंडर्ड विच हैज़ सेम ह्यू एज दैट ऑफ सैंपल एंड रीड इट्स कलर वैल्यू, जो एकदम आसपास मिलता जुलता उसका कलर होता है उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं, और इस तरह से इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो मेथड है, फॉरेन लाइक कलर स्केल मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी पहले अपन उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। दिस मेथड्स गिव्स अ क्वालिटेटिव रिकॉग्निशन ऑफ द कलर ऑफ सैंपल। इसमें क्या था, प्लेटिनम कोबाल्ट मेथड में ये क्वांटिटेटिव मेजर था, और ये क्वालिटेटिव रिकॉग्निशन ऑफ द कलर ऑफ सैंपल है। एम्पिरिकल फॉरेन लाइक कलर स्केल इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ए बी एंड सी, ये अलग अलग मात्रा में सॉल्यूशन को मिला करके ये बनाया जाता है फॉरेन स्केल। नाउ मेथड, सेंट्रीफ्यूज द सैंपल सो एज टू रिमूव द सस्पेंडेड मैटर। पहले अपन सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके सस्पेंडेड मैटर जो है उसको रिमूव करते हैं। फिल द सैंपल इन अ क्लीन ट्यूब एंड कंपेयर इट्स कलर विद द 22 मिक्सचर्स ऑफ फॉरेन लाइक स्केल। इसको पहले अपन ट्यूब में भर लेंगे, उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे जिससे कि सस्पेंडेड मटेरियल रिमूव हो जाए। फिर इसको अपन सैंपल को एक साफ क्लीन ट्यूब में भर लेंगे और इसको जो 22 मिक्सचर्स ऑफ फॉरेन लाइक कलर स्केल है उसके साथ कंपेयर करेंगे। फाइंड द मेकिंग कलर एंड नोट द कलर ब्लू ग्रीन जो भी है इसका ऑफ सैंपल फ्रॉम द स्केल। इस स्केल से अपन इसको मैच करवाएंगे कि कैसा कलर इसमें दिखाई दे रहा है, और वो हमारी रीडिंग हो जाएगी, इससे हम ये नोट कर लें। ओके, ये आपके वाटर फ्लो जो वाटर मूवमेंट वाला जो था टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम टेम्परेचर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।